हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की हिस्ट्री से, जो आपका चैप्टर है एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स, इसकी इजी समरी पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही आसानी से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, नोट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इसको सर्च करके जो भी आप अपनी बात बताना चाहें वो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो पीडीएफ नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। क्लास 11 ESP आपको सर्च मारना है और वहाँ पे आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से एम्पायर की बात की जा रही है। तो हम पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के बारे में। रोमन एम्पायर जो था भाई, वो थ्री कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। ठीक है, आपने कॉन्टिनेंट सुने होंगे, एशिया सुना होगा, यूरोप सुना होगा, अफ्रीका सुना होगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हम जो पढ़ेंगे, ये जो हमारा रोमन एम्पायर था, ये तीन कॉन्टिनेंट्स में था फैला हुआ। एक तो ये यूरोप में था, आप जैसा कि फोटो में देख सकते हो, ठीक है, कि एक तो ये यूरोप की तरफ था भाई, थोड़ा सा फैला हुआ, और वेस्ट एशिया में भी था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे वेस्ट एशिया तक भी था, नॉर्थ अफ्रीका में भी था भाई, नॉर्थ अफ्रीका में भी ये फैला हुआ था। तो यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, इन तीन जगहों पर ये रोमन एम्पायर स्प्रेड हो रखा था। अब हम ये देखेंगे कि जो रोमन एम्पायर है उसके कितने फेजेस में हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अर्ली रोमन एम्पायर था, जो कि माना जाता है होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ द 3rd सेंचुरी, कैन बी कॉल्ड द अर्ली एम्पायर। 3rd सेंचुरी तक का जो टाइम था वो कहलाता है अर्ली रोमन एम्पायर। लेट रोमन एम्पायर माना जाता है 3rd सेंचुरी के बाद का जो टाइम आया था रोमन एम्पायर में, वो लेट एम्पायर माना जाता है। आई होप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। दो पावरफुल एम्पायर थे उस टाइम पे, रोम और एक ईरान का, जो कि उस टाइम के मोस्टली पार्ट पे रूल कर रहे थे, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट के आसपास का पीरियड जो होता है। ठीक है, और ये कब की बात कर रहे हैं हम, बिटवीन द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 7th सेंचुरी। क्राइस्ट के जन्म से लेकर 7th सेंचुरी के पहले पहले तक मोस्टली यही दो जो है मेन एम्पायर थे। रोमन और ईरानियन जो थे वो एक दूसरे के आसपास थे, और ये एक दूसरे के राइवल्स थे आप कह सकते हो। ठीक है, बीच में एक थोड़ी सी नदी पड़ती थी, यूफ्रेट्स रिवर, और ये दोनों बहुत बारी लड़ते रहते थे आपस में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें रोमन एम्पायर के बारे में पता कहाँ से चलता है, सोर्सेस क्या हैं हमारे पास, कहाँ से हम जान पाते हैं। तो एक तो हमारे पास कुछ टेक्सचुअल सोर्सेस हैं, यानी कि जो टेक्स्ट हमें लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्रीज लिखी जाती थी, जो उस टाइम पे लोग कुछ लिखते थे उनको कहा जाता था, जो हिस्ट्री हमें मिली है, जो लिखा हुआ कुछ मिला है उसको बोला जाता है एनाल्स। ठीक है, और ये जो एनाल्स होते हैं ये क्या होता है, ईयर बाय ईयर लिखे जाते थे, इसके अंदर बहुत कुछ अच्छे से लिखा होता डिटेल में। और बहुत सारे लेटर मिलते हैं हमें, स्पीच मिलती है, सरमन्स मिलते हैं, लॉज मिलते हैं, यानी कि लिखा हुआ बहुत कुछ मिला है हमें, ये मान के चलो। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज भी हमें मिलते हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें। इंस्क्रिप्शन क्या है, कोई भी हार्ड चीज के ऊपर आप अगर कुछ लिख रहे हो खोद कर उसे, ठीक है, तो वो आपका इंस्क्रिप्शन हो जाता है। सो हमें यहाँ पे पत्थरों वाले इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं, और इसके अलावा ज्यादातर ग्रीक और लैटिन में लिखे हुए मिले हैं। एक चीज और मिलती है जिसको हम कहते हैं पेपायरी। ठीक है, ये क्या है, पेपायरस जो होता था वो एक प्लांट होता है। ठीक है, पेपायरस एक प्लांट होता है, जो कि जो नील नदी है, नाइल रिवर है, उसके आसपास ये उगता था। और इसी से क्या होता है कि इसको लिखने में भी यूज किया जाता था, इसी प्लांट को, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे मतलब शार्प सा होता था, और ये एक राइटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करता था जिससे कि लोग इसका यूज करते थे पेपायरस पौधे का लिखने के लिए। तो इससे भी बहुत कुछ लिखा हुआ मिला है हमें। इसके अलावा कुछ मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं हमें। ठीक है, टूटी फूटी बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, सिक्के हैं, कुछ ड्राइंग वगैरह या ऐसा कुछ डिजाइन वगैरह भी मिलता है हमें दीवारों का या कुछ और। तो ये दो से तीन सोर्सेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अर्ली एम्पायर, जो हमारा अर्ली एम्पायर था 3rd सेंचुरी तक का जो टाइम था, इसमें क्या था, 509 BC से लेकर 27 BC रिपब्लिक जो है ये एस्टेब्लिश हुआ। और 27 BC ऑक्टावियन जो है, ठीक है, ये जो टाइम आता है, ऑक्टावियन जो था ये अडॉप्टेड सन था जूलियस केसर का।
ठीक है, ये क्या करता है, ओवरथ्रोज रिपब्लिक, ये आ जाता है, ठीक है। ओक्टावियन जो है आगे इसका नाम ये बदलकर ऑगस्टस कर देता है, तो ऑगस्टस सबसे पहले रूल करने आता है यहाँ पे, ठीक है। और ये एडोप्टिव, ये गोद लिया हुआ बेटा था किसका, जूलियस का, तो ये अपना नाम बदलता है सबसे पहले ओक्टावियन से, अपना नाम ये ऑगस्टस कर लेता है, सबसे पहला राजा है इनका ऑगस्टस, याद रखना। ये एक किंगडम बनाता है जिसका नाम ये प्रिंसिपेट रखता है, और इसका जो टाइम था सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था, पीसफुल टाइम था जब तक ये रूल कर रहा था। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं रोमन एम्पायर की हिस्ट्री में तीन प्लेयर कौन थे इंपॉर्टेंट, तीन ऐसे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। एक तो एम्परर खुद था भाई, अथॉरिटी यही थी सारी, सब कुछ यही कंट्रोल करता था। जो सक्सेशन होता था यानी कि अगला राजा कौन बनेगा, वो नेचुरल भी हो सकता था भाई, बेटा बेटा, या फिर अडॉप्ट भी कर सकते थे। कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम लिखे हैं, जूलियस केसर, ऑगस्टस, टाइबरस, ट्राजन और नेरो, ये कुछ नाम थे। सीनेट जो है वो दूसरे नंबर पर आती है, सीनेट का मतलब था कुछ अमीर परिवार, अमीर लोग, बड़े लोग, ठीक है। तीसरे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो है आर्मी, आर्मी को पैसे दिए जाते थे, प्रोफेशनल आर्मी होती थी, लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी ये, बहुत ही ज्यादा इसमें सैनिक वगैरह हुआ करते थे इनके पास। तो ये तीन लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं रोमन एम्पायर के अंदर, इन्हीं की वजह से रोमन एम्पायर इतनी दूर तक फैल पाया। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें अगर हम रोमन एम्पायर के अंदर, तो रोमन एम्पायर जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन सेंटर्स से चलता था, यानी कि बड़े बड़े शहरों से कंट्रोल होता था। एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, फिर उनसे टैक्स भी लिया जाता था अलग अलग प्रोविंस से। कुछ नाम है यहाँ पे, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, और ये मतलब कुछ बड़े बड़े इंपीरियल शहर थे आप कह सकते हो। एंड थ्रू लोकल अपर क्लास इन द सिटीज गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कंट्री साइड, जो कुछ गाँव के इलाके थे और जो कुछ अपर क्लास लोग होते थे शहरों में रह रहे थे, वहां से टैक्स आता था ज्यादातर। प्रोविजनल अपर क्लास बिकेम द न्यू एलीट, जो अपर क्लास लोग होते थे ठीक है वो एलीट थे आप कह सकते हो, पैसे वाले लोग थे। और एम्परर गलेनियस फोरबेड सेनेटर्स फ्रॉम मिलिट्री कमांड, एक एम्परर है यहाँ पे गलेनियस, उसने क्या करा था, सेनेटर्स को फॉरबेड कर दिया था मिलिट्री कमांड से। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है थर्ड सेंचुरी का क्राइसिस, जब तीसरी सेंचुरी आई तो रोमन एम्पायर में बहुत दिक्कतें आ गई थी। क्या मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी का टाइम था वो बहुत अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जैसे ही थर्ड सेंचुरी आने वाली थी, 230 से आगे जो टाइम बढ़ा, तो बहुत दिक्कतें आने लगी। एक तो वहीं पर ससानियंस रहते थे आसपास, वो अटैक करते हैं रोमन एम्पायर को फ्रीक्वेंटली। कुछ जर्मनिक ट्राइब्स थी जिनको बर्बेरियंस कहा जाता था, इसमें एलामनी, फ्रैंक और गोथ, इन्होंने भाई रोमन एम्पायर को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। 47 ईयर्स के अंदर 25 राजा बदल गए, आप ये सोचो कितना बड़ा झटका था ये रोमन एम्पायर के लिए। रोमन एम्पायर में इंटरनल दिक्कतें बहुत आ गई, रोमन एम्पायर कमजोर पड़ने लग गया, यही थर्ड सेंचुरी का क्राइसिस माना जाता है। अब सक्सेशन के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो राजा है वो बेसली फैमिली से ही बनता था, कोई का बेटा होगा या कोई, या फिर अगर नहीं है बेटा तो वो एडॉप्ट भी कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल टाइप्रस जो था वो सेकेंड एम्परर वॉज नॉट द नेचुरल सन ऑफ ऑगस्टस, ऑगस्टस राजा का जो वो असली बेटा नहीं था, बट वो दूसरा राजा बना, यानी कि आप यहाँ पे मान सकते हो एडॉप्ट करने वाला सिस्टम चलता था। जेंडर लिटरेसी कल्चर इन रोमन एम्पायर, फैमिली की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली होती थी, छोटी फैमिली होती थी, माता पिता और बच्चा, या एक बच्चा और, बस 3 से 4 लोग और कोई नहीं। विमेन के स्टेटस की बात करो तो लीगल राइट्स थे भाई, महिलाओं को पूरी पावर थी, राइट्स थे उनके पास में, प्रॉपर्टी वगैरह वो खरीद सकती थी, मैनेज कर सकती थी। लिटरेसी की बात करें तो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, बट कहीं कहीं पर ज्यादा पढ़े लिखे भी होते थे, कहीं कहीं पर कम पढ़े लिखे भी होते थे। कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं लैंग्वेज के बारे में, तो अरामाइक लैंग्वेज बहुत डोमिनेंट लैंग्वेज थी नियर द ईस्ट, एटलीस्ट वेस्ट ऑफ द यूप्रेट्स, यूप्रेट्स रिवर के वेस्ट में ये बोली जाती थी। और कॉप्टिक एक और लैंग्वेज है जो इजिप्ट में बोली जाती थी, एंड पुंसी और बर्बर ये नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी,
सेल्टिक एक और लैंग्वेज है जो स्पेन में बोली जाती थी और नॉर्थ वेस्ट में बोली जाती थी। तो ये लैंग्वेजेस के बारे में कुछ नाम है उनके। इकोनॉमी की अगर अब हम बात करें तो रोमन एम्पायर बहुत ही इकोनॉमिकली स्ट्रोंग था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, उन्होंने हार्बर्स बना रखे थे या सी पोर्ट जिसे हम कहते हैं, माइंस थी बहुत सारी, क्वेरीज थी, ब्रिक यार्ड्स थे, ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज थी, यानी कि ये मान के चलो इनके पास सारे जुगाड़ बहुत अच्छे थे, इकोनॉमी तो इनकी बहुत अच्छी जा रही थी। वीट, वाइन और ऑलिव ऑयल इनका ट्रेड सबसे ज्यादा होता था और कंज्यूम भी इनको सबसे ज्यादा किया जाता था, इन तीन चीजों को, वीट, वाइन और ऑलिव ऑयल को। और वाइन और ऑलिव ऑयल जो होते थे वो ट्रांसपोर्ट किए जाते थे कंटेनर्स के अंदर, जिनको एम्फोरा कहा जाता था। ये याद रख, आप ये जो नाम है ये याद रखना, एम्फोरा, ठीक है, वाइन और ऑलिव ऑयल जिसमें ट्रांसपोर्ट होती थी। अब ऑलिव ऑयल जो है बहुत ही ज्यादा फेमस था रोमन एम्पायर का, और उस टाइम पे 140 से 160 का जो टाइम था बहुत ज्यादा इसका ट्रेड हो रहा था, और इसको जिस कंटेनर में लेकर जाया जाता था उस कंटेनर को ड्रेजल 20 कहा जाता था। ये ही है ड्रेजल 20 जो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। इसके अंदर रखा जाता था ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, और इसका नाम ड्रेजल 20 क्यों है, क्योंकि इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम भी ड्रेजल था, या जो आर्कियोलॉजिस्ट था जो इसको ढूंढता है, सॉरी जो इसको डिस्कवर करता है, उसका नाम ड्रेजल था। अब है कुछ अंडर डेवलप्ड रीजन से, ठीक है, और जो मतलब रोमन टेरिटरीज के जो कि इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसहुमेंस, अ टाइप ऑफ पेस्टोरलिज्म वॉज वाइड स्प्रेड इन द कंट्री साइड ऑफ न्यू मीडिया, जो आज का अल्जीरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाँव का इलाका था, वहाँ पे जानवरों को पाला जाता था, और ये जो पेस्टोरल और सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज थी ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे, और उनकी जो एक ओवन शेप्ड हट होती थी इनके साथ रहती थी, यानी कि अपनी झोपड़ी साथ लेकर चलते थे ये लोग जो होते थे ट्राइबल लोग। कंट्रोलिंग ऑफ वर्कर्स इन द रोमन एम्पायर, अब जो काम करने वाले लोग होते थे, वर्कर्स होते थे, उनके ऊपर कैसे कंट्रोल रखा जाता था, तो देखो स्लेवरी बहुत ज्यादा थी रोमन एम्पायर में, स्लेव्स बहुत ज्यादा थे, गुलाम बनाया जाता था, और इटली के अंदर 7.3 मिलियन पॉपुलेशन में 3 मिलियन तो सिर्फ गुलाम थे, 3 मिलियन तो बस स्लेव ही स्लेव थे। स्लेव्स को एक इन्वेस्टमेंट माना जाता था, स्लेव्स खरीद कर आप उनसे बहुत सारे काम करवा सकते थे, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल एटीट्यूड होता था लोगों का अपने स्लेव्स के लिए। और मैं अगर आपको बताऊं रूरल इंडेप्टनेस बहुत ज्यादा थी, गरीब लोग उधार पैसे लेते थे पर वो वापस नहीं दे पाते थे, फिर उनको जो जो पैसे दे रहा है वो अपना गुलाम बना लेता था, उनसे काम करवाता था। स्लेव्स की ब्रीडिंग बहुत ज्यादा होती थी। स्लेव ब्रीडिंग क्या होता है, देखो स्लेव ब्रीडिंग में क्या होता है, स्लेव ओनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्लेव से बच्चे पैदा करवाते हैं और ये एक सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं स्लेव्स के साथ। हो सकता है कि कोई एक मालिक है वो अपनी फीमेल स्लेव के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना के जो बच्चा पैदा कर रहे हैं उसको भी आगे स्लेव बना देगा। तो ये स्लेव ब्रीडिंग बहुत चलती थी वहां पे उस टाइम पे, और स्लेव्स को बहुत ही ज्यादा एक मतलब एक तरीके से ये समझ लो स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता था। अब मैं आपको आगे बताता हूँ सोशल हायरार्की कैसी होती थी अर्ली एम्पायर में और लेट एम्पायर में। अर्ली एम्पायर क्या है, 3rd सेंचुरी तक का जो टाइम है। लेट एम्पायर क्या है, 3rd सेंचुरी के बाद का जो टाइम है। अर्ली एम्पायर की बात करें तो सबसे पहले सेनेटर आता था, सेनेटर यानी कि जो अमीर लोग थे, फिर इक्वेस्ट्रियंस आते थे, फिर रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास, फिर कॉमन लोग, फिर स्लेव्स। ये चीज़ें चेंज होने लगी, हायरार्की में बदलाव आया जब लेट एंटिक्विटी का टाइम आया यानी कि 3rd सेंचुरी के बाद का। इसमें सबसे टॉप पे एम्परर आ गया, फिर एरिस्टोक्रेट्स आ गए वही अमीर वगैरह, फिर मिडिल क्लास आ गया, फिर लोअर क्लास आ गया, फिर स्लेव्स आ गए। तो ये थोड़ा सा चेंज आया था सोशल हायरार्की में। अब मैं आपको और कंडीशंस बताता हूँ लेबर की। जो लेबर में काम करते थे लोग उनके ऊपर एक सील लगाई जाती थी उनके कपड़ों के ऊपर, और उनको एक मास्क पहनना पड़ता था जालीदार, ठीक है, अपने सर के ऊपर। जब भी वो कहीं बाहर जाते थे उनको अपने कपड़े पूरे उतारने पड़ते थे, कपड़े पहन के नहीं जा सकते। एक लॉ था 398 का, वो ये बताता है कि वर्कर्स को ब्रांडेड बनाया जाता था, उनके ऊपर ठप्पा लगाया जाता था या कुछ जला हुआ ऐसा निशान बनाया जाता था जिससे उन्हें पहचाना जा सके कि ये उन्हीं का है। तो सोचो कितना उनको झेलना पड़ता था। बहुत सारे कुछ प्राइवेट एम्प्लॉयर्स होते थे, कुछ मालिक होते थे, वो अपने वर्कर्स के साथ क्या करते थे,
कुछ एग्रीमेंट कर लेते थे, उनको बोलते थे कि तुमने मेरे इतने पैसे लिए हैं, अब तो तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तो तुम्हें कंट्रोल करके रखूंगा, ऐसा भी होता था भाई। अब इसके बाद लेट एंटिक्विटी यानी कि जो 3rd सेंचुरी के बाद का टाइम था, 4th टू 7th सेंचुरी का, ठीक है, इसको लेट एंटिक्विटी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक एम्परर आया, डायोक्लिटेन, ठीक है, डायोक्लिटेन एक यहाँ पे एम्परर आता है। ये 284 से लेकर 305 तक था। ये अंपायर को कटबैक करता है, और इसके टाइम पे जो फ्रंटियर्स थी, जो सीमाएं होती हैं, इसने उसको फोर्टिफाई कर दिया था, और उसने मिलिट्री और सिविल वर्क्स को सेपरेट कर दिया। ये इसके कुछ काम है, और इसने मिलिट्री पावर बड़ा, मतलब मिलिट्री कमांडर्स की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी भाई, और इसने प्रोविंशियल बाउंड्रीज बना दी थी, और मतलब काफ़ी काम किया था इसने बाउंड्रीज वगैरह बनाने में। और इसने एम्पायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो ये इसके टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट काम है। इसके बाद एम्परर कॉन्स्टेंटाइन आता है, 307 से 337 तक। इसने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बता दिया रोमन एम्पायर का, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। इसने सोने के सिक्के बनाए, सोलिडस, ठीक है, सोलिडस कहा जाता था। इसने अपनी सेकंड कैपिटल बनाई कॉन्स्टेंटाइनोपोल, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइनोपल। और इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड जो पहले नहीं हो रहा था, इसने वापस से स्टार्ट किया, लंबी दूरी पे ट्रेड करना शुरू किया, नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर इसने इन्वेस्ट किया। तो ये अच्छा राजा माना जाता है। इसके अलावा एम्परर जुस्टिनियन आता है, 527 से 565 तक। इसके टाइम पे भी बहुत पैसा कमाया रोमन एम्पायर ने, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ा। अब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था रोमन एम्पायर, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ 4th सेंचुरी में, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ 7th सेंचुरी में। नॉर्थन एम्पायर पर जर्मनिक ग्रुप्स लगातार अटैक कर रहे थे, गॉथ्स हैं, फ्रैंक हैं, लैम्बार्ड्स हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन्होंने अपने किंगडम बना लिए थे, ठीक है, और ये लगातार अटैक कर रहे थे रोमन एम्पायर के ऊपर, इन्वेजन हो रहे थे ईरान की आर्मीज के, ईस्ट के ऊपर। और स्लेव्स जो ये लोग बनाते थे, स्लेव्स ने भी अब रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, वो भी अपने लिए आवाज़ उठाने लग गए। तो वीक हो गया जो पूरा एम्पायर था, और आगे के जो एम्परर आए वो भी वीक थे। और इसके बाद इस्लाम का भी राइज हो गया था आसपास के एरियाज में, जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है इस्लाम बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था, और अरेबिया के आसपास ये अब ग्रो कर रहा था। और 642 AD के आसपास, 10 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, ज़्यादातर जो एरियाज थे ईस्टर्न रोमन और ससानियन एम्पायर के, वो अरब्स के पास में आ गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके थे, और ये कॉन्क्वेस्ट लगातार जारी रहे स्पेन तक, सिंध, सेंट्रल एशिया, ये मुस्लिम जो रूलर्स थे ये आगे और बढ़ते चले गए। तो इस तरीके से हमारा ये रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया। मेनली यही क्वेश्चंस आपके आते हैं जो मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।